नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, यानी आज का जो हमारा टारगेट है वो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म को समझना है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म तो हम लोग समझेंगे ही, इसके साथ साथ हम लोग कुछ और एडिशनल टॉपिक्स हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग स्टडी करने वाले हैं डिस्पर्सन, ठीक है। हम लोग जो है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के अलावा हम लोग स्टडी करने वाले हैं डिस्पर्सन के बाद हम लोग स्टडी करेंगे एंगुलर डिस्पर्सन के बाद हम लोग स्टडी करने वाले हैं डिस्पर्सिव पावर और डिस्पर्सिव पावर के बाद हम लोग स्टडी करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में हम लोग जो है कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं आज के क्लास में, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्या चीज, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो वर्ड्स है, ठीक है। एक वर्ड है आपका रिफ्रैक्शन और जो दूसरा वर्ड है आपका प्रिज्म। तो सबसे पहले हमको रिफ्रैक्शन के बारे में जानना होगा। वैसे हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि भाई रिफ्रैक्शन क्या होता है, लेकिन फिर से हम लोग क्योंकि नया टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, एक नया टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा रिफ्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा प्रिज्म के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देन हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, भाई प्रिज्म से किस प्रकार से रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो सिंपल तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जब भी लाइट आपका व्हेनेवर लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स, वो क्या करता है, बेंड करता है। तो ये जो बेंडिंग फेनोमेना होता है ना, किस कौन सा फेनोमेना, तो बेंडिंग फेनोमेना। तो ये जो बेंडिंग फेनोमेना होता है, इसी बेंडिंग फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। फिर से एक बार, व्हेनेवर लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, है ना, व्हेनेवर लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट बेंड, लाइट क्या करता है, बेंड करता है। तो ये जो बेंडिंग फेनोमेना होता है, इसी बेंडिंग फेनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। अच्छा क्यों होता है, ठीक है, तो ये भी हमने आपको बता रखा है। तो सिंपल से इसका लॉजिक है कि भाई लाइट का जो स्पीड होता है, यानी स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट मीडिया में। सिंपल सी बात है, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट क्या चीज, मीडिया, ठीक है। अच्छा एक बात और आती है कि भाई क्या होगा कि जब भी लाइट आपका रेयर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा, तो ये भी हमने आपको बता रखा है कि जब भी लाइट आपका रेयर टू डेंसर में जाएगा, ठीक है, तो इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, है ना, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, ठीक है, इट बेंड टुवर्ड्स किधर झुक जाता है, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। क्यों, क्योंकि स्पीड घट जाता है, रेयर टू डेंसर में आएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अच्छा फिर हमने आपको ये भी बता रखा है कि भाई लाइट जब भी आपका डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा, ठीक है, तो जब डेंसर से रियर मीडियम में जाएगा तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और स्पीड बढ़ जाएगा तो मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर भागेगा, ठीक है। मूव अवे फ्रॉम कहां से, नॉर्मल, नॉर्मल से वो क्या होगा, दूर भागेगा, ठीक है। फिर हमने आपको लॉज बता रखे हैं कि भाई रिफ्रैक्शन के लॉज क्या होते हैं, तो हमने आपको दो लॉ बता रखे हैं, ठीक है। एक कौन सा था आपका कि भाई इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ठीक है, तीनों जो होते हैं सेम प्लेन में लाइज करते हैं, है ना, लाइज इन द सेम प्लेन। अच्छा एक हमने आपको और बता रखा है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी म्यू, म्यू जो होता है वो साइन आई बाई साइन आर के बराबर होता है, साइन आई बाई साइन आर के बराबर होता है, ठीक है। या इसको आप ऐसे बोलो कि भाई जो आपका रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट के बराबर होता है, और उस कांस्टेंट को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो म्यू होता है, म्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, है ना। ये सब बातें हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के बारे में हमने आपको बताया था कि भाई प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है, तो हमने उसके बारे में आपको समझाया था, ठीक है। एक बार रिपीट भी कर लेते हैं, ठीक है, मान लो कि क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, सिंपल तरीके से समझो आप यहाँ पे कि मान लो कि यहाँ पे एक इंटरफेस हो गया आपका, ये मान लो कि कोई क्या हो गया आपका, ये मान लो कि ऊपर में आपका रेयर मीडियम हो गया और अंदर में कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, है ना, बाहर में रेयर मीडियम। अच्छा रेयर मीडियम भी हमने आपको बता रखा है कि भाई जहां लाइट का स्पीड अधिक होगा उसको बोलते हैं रेयर मीडियम, है ना, जहां पे लाइट का स्पीड अधिक होगा उसको बोलेंगे रेयर मीडियम, जहां पे लाइट का स्पीड क्या होगा, कम होगा, उसको क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम, है ना। तो मान लेते हैं कि लाइट जो है आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है ना। अच्छा ये क्या होता है,
ये होता है, इसको बोलते हैं इंटरफेस, यानी एक ऐसा पोर्शन, एक ऐसा आप बोल सकते हो प्लॉट, जो क्या करता है रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम को क्या करता है क्लासिफाई करता है या डिस्टिंग्विश दोनों में करता है, उसको क्या बोलते हैं इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लाइट क्या हो रहा है, आ रहा है, और क्या हो रहा है यहाँ पे इंटरफेस पे, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, है ना। और ये लाइट क्या होता है, ये इधर नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जब भी लाइट आपका रेयरर से डेंसर में आता है इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, क्यों बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि भाई ये जो है आपका स्पीड कम हो रहा है, लाइट का स्पीड क्या हो रहा है कम हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक मिरर लगा देते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एक प्लेन मिरर हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग प्लेन मिरर लगाएंगे तो ये जो है रास्ता जो है ना वापस अपने रास्ते पर क्या कर जाएगा, लौट लौट जाएगा, यानी जो लाइट आ रहा था रिफ्रैक्शन जो हो रहा था वही वापस से वही रिफ्रैक्शन हो जाएगा, यानी जो लाइट रे आ रहा था जैसे प्लेन मिरर से टकराएगा वापस वो उसी रास्ते पर क्या हो जाएगा, लौट जाएगा, है ना। और इसी प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, याद रखिएगा इसी प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ किसका, लाइट। ठीक है, अच्छा इसका एक बार स्टेटमेंट भी आपको हम लिख के दिखा देते हैं कि भाई इसका स्टेटमेंट क्या होता है। तो सिंपल आप बोल सकते हो कि ठीक है क्या, इसको आप बोल सकते हो कि अगर लाइट आपका, इफ लाइट आफ्टर सफरिंग, ठीक है, इफ लाइट आफ्टर सफरिंग, ठीक है, इफ लाइट आफ्टर सफरिंग, यहाँ पे टी हमने मिस कर दिया है, ठीक है, इफ लाइट आफ्टर सफरिंग मल्टीपल नंबर ऑफ, ठीक है, मल्टीपल नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, ठीक है, मल्टीपल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है अपने रास्ते पर लौट जाता है। ठीक है, इसको आप सिंपल तरीके से समझो, आप इसको स्टेटमेंट पे अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो इसको आप सिंपल समझो, आप सिंपल तरीके से समझ लो आप यहाँ पे कि लाइट अगर आपका कहाँ से आ रहा है, रेयर टू डेंसर मीडियम में आ रहा है ना, लाइट अब कहाँ से आ रहा है, रेयर टू डेंसर मीडियम में आ रहा है, तो वो क्या करेगा स्ट्राइक करेगा, है ना, स्ट्राइक करेगा कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, एक आपका प्लेन मिरर से स्ट्राइक करेगा और वापस वो उसी रास्ते पर क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ क्या चीज, लाइट। ठीक है, अच्छा यहाँ ये क्या था आपका, पहले आई था, ये पहले क्या था आपका आर था, है ना, इसको मान लो कि आप ए मान लो, इसको आप क्या मान लो बी मान लो, है ना, तो पहले लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा था, ए से बी में जा रहा था, यानी ए म्यू बी, तो ए म्यू बी क्या होता है आपका, तो सिंपल साइन आई बाई साइन आर आप लिख सकते हो उसको, है ना, साइन आई बाई साइन आर लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, तो भाई जैसे वो टकराया तो वापस वो लौट गया, यानी अब ये जो आर था, ये जो क्या था आर जो था, अब ये आर किस में कन्वर्ट हो गया, आई में, और ये जो आई था ये किस में कन्वर्ट हो गया, आर में। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भाई बी म्यू ए क्या होगा, तो बी म्यू ए क्या हो जाएगा, जो आई था वो आपका आर हो गया और जो आर था वो क्या हो गया, आई हो गया। ठीक है, क्योंकि अब यहां से तो रिवर्स हो गया ना, ये यहां से रिवर्स हो गया, तो अब ये भाई आई हो गया ना आपका, पहले आर था लेकिन अभी क्या हो गया, ये आई हो गया। अच्छा ये जो आई था अभी क्या हो गया, आपका आर हो गया, तो इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो उसको आप, साइन आर बाई साइन आई लिख सकते हो उसको आप, है ना। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए म्यू बी इंटू बी म्यू ए इजकल टू क्या हो गया, वन हो गया, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपको याद रख लेना है ए म्यू बी इजकल टू क्या हो गया, वन अपॉन बी म्यू ए, ये स्टेटमेंट आपको याद रख लेना है। ठीक है, या बी म्यू ए इजकल टू आप लिख सकते हो वन अपॉन ए म्यू बी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, सिंपल सी बात है। फिर से एक बार क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, तो लाइट रे आएगा, लाइट रे क्या आएगा, आएगा या मान लो कि लाइट रे आपका रेयर टू डेंसर में आया, वहां पे क्या हुआ एक प्लेन मिरर से स्ट्राइक किया और वापस वो जो है ना वापस अपने रास्ते पर लौट गया, है ना। तो ये जो प्रिंसिपल होता है, इसी प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा हमने क्या कर लिया अभी, हमने रिफ्रैक्शन को रिविजन कर लिया, क्या होता है तो भाई बेंडिंग फेनोमेना होता है, क्यों होता है तो क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होता है। ठीक है, क्या होता है जब आपका रेयर टू डेंसर में जाएगा तो बेंड करेगा टुवर्ड्स नॉर्मल, जब डेंसर टू रेयर में जाएगा तो मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, लॉज हमने देख लिया, है ना, लॉज हमने देख लिया। यहाँ पे एक और टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थोड़ा हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी समझ लेते हैं। ठीक है, और ये लॉ आपको याद रख लेना है, कौन सा लॉ है ये, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसको आप सिंपल ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, तो ए म्यू बी और बी म्यू ए का जो प्रोडक्ट होता है वो वन होता है। इसको आप सिंपल तरीके से ये भी बोल सकते हो, और लोग ना अच्छा थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट, ठीक है, रिफ्रैक्शन का जो भी हमने आपको बताया इसका आइडिया आपको लग गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, देखिए आपको हम रिवीजन क्यों करा रहे हैं, क्योंकि सबका यूज होने वाला है। ठीक है, दैट इज वाई हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लिया जाए। ठीक है, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमने आपको बता रखा है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है।
है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा, आप बोल सकते हो एक ऐसा मेजर है जो बताता है कि भाई अगर लाइट बेंड करेगा तो कितना बेंड करेगा। तो सिंपल तरीके से बोल सकते हो कि ये है एक ऐसा आपका कांस्टेंट है जो बताता है कि भाई लाइट मुड़ेगा तो कितना मुड़ेगा। यानी सिंपल तरीके से बोल सकते हो कि भाई ये बताता है कि बेंडिंग एबिलिटी ऑफ लाइट को ये बताता है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? तो बेंडिंग एबिलिटी ऑफ लाइट को बताता है कि भाई जब भी लाइट आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट कितना बेंड करेगा, वो ये बताता है। ठीक है, और ये दो तरह के होते हैं, ये भी हमने आपको बता रखे हैं। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक क्या होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो हमने आपको बता रखा है कि अगर लाइट आपका ठीक है वैक्यूम से किसी मीडियम में जाता है, ठीक है, तब उसके वेलोसिटी के रेशियो को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट। अगर आपका लाइट किसी एक मीडियम से तो किसी दूसरे मीडियम में जाता है, तब दोनों के वेलोसिटी के रेशियो को क्या बोलते हैं, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रखिएगा म्यू का फॉर्मूला होता है सी बाई वी, है ना, ये एब्सोल्यूट का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, उसके लिए क्या होगा रिलेटिव के लिए, तो वी वन बाई वी टू। ठीक है, ये भी हमने आपको बता रखा है। ठीक है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अच्छा, फिर हमने आपको लैटरल शिफ्ट के बारे में बता रखा था कि भाई लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, ये भी हमने आपको बता रखा है, इसको भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हमने जितने कॉन्सेप्ट हमने किया ना, हमने ऑलरेडी आपको अच्छे तरीके से बता रखे हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि इन सब का आज यूज होने वाला है, ठीक है, हम लोग जो जो टॉपिक्स आप आज कवर करेंगे इनमें इनका यूज होगा, दैट इज वाई हम इसको एक बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट हमने आपको बता रखा है कि भाई क्या होता है। तो याद रखिएगा सिंपल तरीके से कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर क्या होता है, डिस्टेंस होता है किसके किसके बीच में, इमर्जेंट रे। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच में, तो इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे एंड एक्चुअल इंसिडेंट रे, एंड एक्चुअल इंसिडेंट रे के बीच में क्या चीज, बीच में जो बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा उसको क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ऑल ओके ना। अच्छा, एक फॉर्मूला भी आपको याद रख लेना है कि भाई लैटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो याद रखिएगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है टी बाई कॉस आर, ठीक है, टी बाई कॉस आर साइन आई माइनस आर, टी बाई कॉस आर साइन आई माइनस आर। ये फॉर्मूला होता है किसका, लैटरल शिफ्ट का या लैटरल डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, और एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि भाई किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग डी, यानी जो आपका डी होता है यानी जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, किन किन चीजों पर निर्भर करता है, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है कि भाई ये जो है मेनली टी पर डिपेंड करता है, यानी थिकनेस पर डिपेंड करता है कि भाई ग्लास स्लैब है वो कितना थिक है, यानी थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पर क्या करता है, ये डिपेंड करता है। ये आई पर डिपेंड करता है यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करता है। ये आर पर डिपेंड करता है यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पर क्या करता है, ये डिपेंड करता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सब टर्म आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, एक और टर्म हमने आपको बता रखा है, दैट इज नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, नॉर्मल शिफ्ट भी हमने आपको बता रखा है कि भाई नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल तरीके से आप समझ लो कि भाई नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, एक मान लो यहाँ पे आपके पास एक ग्लास हो गया, ठीक है, और इस ग्लास में आपका पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ इस ग्लास में क्या भरा हुआ, आपका पूरा, मान लो कि इस ग्लास में आपका पानी भरा हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, अब आपने क्या करा, यहाँ पे एक सिक्का डाल दिया, एक क्वाइन डाल दिया, तो क्वाइन एग्जैक्टली रहेगा मान लो यहाँ पे, लेकिन आपको जो है यहाँ पे वो दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपको वो क्वाइन यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट पोजिशन पे वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, यानी ये जो पॉइंट हो गया आपका, है ना, यानी ये जो आपका जो पोजिशन हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग वर्चुअल पोजिशन। ठीक है, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल पोजिशन। और ये जो पोजिशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल पोजिशन, यानी वास्तव में है वो यहाँ पे लेकिन आपको दिखाई दे रहा है वहां पे। ठीक है, तो ये जो आपका वर्चुअल और रियल जो डेप्थ है, इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको नॉर्मल शिफ्ट या नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, तो सिंपल आप बोल सकते हो कि भाई दोनों का रेशियो, ठीक है, दोनों का क्या चाहिए, रेशियो, या आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसके बीच का, तो रियल डेप्थ, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं रियल डेप्थ और वर्चुअल डेप्थ, मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है और जो वास्तव में है, जो दिखाई दे रहा है और वास्तव में जो है, उसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन आर डी यानी रियल डेप्थ एंड वर्चुअल डेप्थ, वर्चुअल क्या चीज, डेप्थ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, सॉरी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं।
ठीक है, इसका भी फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला था? ये फॉर्मूला था आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट का, और लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तो वो हमने आपको बता रखा है कि भाई इमर्जेंट रे और एक्चुअल इंसिडेंट रे का बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और यहाँ पे क्या है आपका नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, तो नॉर्मल शिफ्ट है आपका सिंपल सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन रियल डेप्थ एंड वर्चुअल डेप्थ, ठीक है। रियल डेप्थ और वर्चुअल डेप्थ के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है टी टाइम्स वन माइनस वन अपॉन ए म्यू बी। ये फॉर्मूला होता है, टी यानी थिकनेस, म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको क्या कर लेना है, याद रख लेना है। किसका ये फॉर्मूला है? तो ये नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। हमने आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट भी बता दिया, हमने आपको रिफ्रैक्शन का भी रिविजन करा दिया, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट भी, हमने मतलब जितने बेसिक चीजें थी जिसकी जिसकी जरूरत थी आज वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। उम्मीद है आपको रिफ्रैक्शन जो था आपको समझ आ गया होगा, समझ आ गया होगा यानी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था, लेकिन हमने उसको एक बार फिर से रिकैप कर दिया, ठीक है, ताकि आपको समझ आए अच्छे तरीके से। ऑल ओके ना, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रिज्म, ठीक है, क्योंकि हमको करना क्या है, प्रिज्म से ही रिफ्रैक्शन कराना है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन तो हमने समझ लिया कि भाई जब भी लाइट आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो रिफ्रैक्शन होगा, कैसे होता है, क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लैटरल डिस्प्लेसमेंट एंड आपका नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, ये सब हमने समझ लिया, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, वापस टॉपिक पर आते हैं, यानी हमको समझना है क्या चीज, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। लेकिन उससे पहले हमको क्या समझना होगा, प्रिज्म को, ठीक है। तो सिंपल तरीके से समझते हैं प्रिज्म को, ठीक है, कि भाई प्रिज्म क्या होता है। चलिए सबसे पहला पॉइंट कि प्रिज्म क्या होता है, तो एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है। सबसे पहला पॉइंट ये आप दिमाग में रख लो, प्रिज्म क्या होता है, एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है, ठीक है, जो रिफ्रैक्शन पर वर्क करता है। यानी आप यहां पे लिख सकते हो कि वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन, एक सिंपल सा डेफिनेशन है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, ठीक है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ किसका, रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पर क्या करता है, काम करता है, ठीक है। फिर से प्रिज्म क्या होता है, तो एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है, ठीक है, जो क्या करता है, रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पर यह वर्क करता है। ऑल ओके ना, ठीक है, ये तो हो गया एक सिंपल सा डेफिनेशन। अब वापस आते हैं, इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो समझते हैं। प्रिज्म क्या होता है, तो एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, ठीक है, प्रिज्म क्या होता है, तो एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है जो दो प्लेन, ठीक है, जो दो प्लेन सरफेस से घिरा होता है, जो दो प्लेन सरफेस से क्या होता है, घिरा होता है, और मेकिंग एन एंगल विद ईच अदर, और दोनों के साथ वो एक एंगल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। देखिए प्रिज्म जो है एक 3D डिवाइस है आपका, 3D ऑप्टिकल डिवाइस, ठीक है, 3D ऑप्टिकल डिवाइस है। और हम लोग लिख किस पे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं 2D पे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल आप समझ लो कि भाई क्या होता है प्रिज्म, तो आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि भाई प्रिज्म क्या होता है, तो प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाई टू प्लेन सर्फेसिस मेकिंग एन एंगल विद इच अदर, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो प्रिज्म में कैसा होता है वो थोड़ा देख लो आप अच्छे तरीके से, यहाँ पे डायग्राम ऑलरेडी हमने लगा रखा है, ठीक है। देखिए ये हो गया एक आपका, ये हो गया एक प्लेन सरफेस, है ना, ये हो गया क्या आपका एक प्लेन सरफेस, ये भी हो गया क्या आपका एक प्लेन सरफेस हो गया, है ना। देखो यहाँ पे दो दो प्लेन सरफेस हो गए, है ना, दो दो क्या हो गए, प्लेन सरफेस हो गए। यहाँ पे देखो क्या है डेफिनेशन, कि भाई एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेसेस, तो दो प्लेन सरफेसेस हमने आपको दिखा दिया कि भाई ये एक प्लेन सरफेस हो गया और ये दूसरा प्लेन सरफेस हो गया। ऑल ओके ना, एकदम क्लियर है ना। अच्छा उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगुलर, ये देखो ये ट्रायंगुलर पोर्शन, ठीक है, अगर मान लो कि इस तरह का ये जो पोर्शन है आपका, इसको आपने क्या कर दिया, खड़ा कर दिया, ठीक है, दोनों को आपने क्या कर दिया, एज मतलब दोनों को मिला के, ये देखिए ये एज के अलोंग आपने दोनों को खड़ा कर दिया, है कि नहीं। अब क्या करोगे, आपको उसको कवर करना है, पूरी तरह से कवर करना है, तब आप क्या करोगे, ये जो स्पेस बचा है, तो यहाँ पे कौन सा स्पेस बचा, ट्रायंगुलर स्पेस बचा, है ना, यहाँ जो स्पेस बचा आपको कौन सा स्पेस बचा, ट्रायंगुलर स्पेस बचा। अच्छा यही स्पेस पीछे भी बचा होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मान लो कि आप एक ट्रायंगुलर, ठीक है, ट्रायंगुलर ग्लास जो है यहाँ पे आप लगा दोगे, ठीक है, पीछे भी आप वही कर दोगे, एक ट्रायंगुलर ग्लास लगा दोगे, तो जो पूरा सिस्टम बन के आएगा ना, जो पूरा डिवाइस तैयार होगा ना, इस डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिज्म बोलेंगे, इस डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको प्रिज्म का आइडिया लग गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि भाई प्रिज्म क्या होता है, तो एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है जो दो प्लेन सर्फेसेस से बना होता है, ठीक है, और ये एक आपका प्लेन सर्फेस हो गया, है ना, ये एक आपका प्लेन सरफेस, और दूसरा वाला ये एक आपका प्लेन सरफेस हो गया,
है ना, दो प्लेन सरफेस हो गए। अच्छा तो ये ऑब्वियस है कि भाई जब दोनों को ज्वाइन करो तो ये बीच का एक एज मिल जाएगा ना आपको, तो यहाँ पे इस तरह का एक आपको क्या हो जाएगा, खाली जगह मिल जाएगा, यानी ट्रायंगुलर एक स्पेस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करो, एक ट्रायंगुलर ग्लास लगा दोगे और यही काम पीछे की तरफ आप कर दोगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, एक डिवाइस तैयार हो जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। और ओके ना, अच्छा यहाँ तक हो गया प्रिज्म समझ लिया आपने। अच्छा हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग 2D पर काम कर रहे हैं तो हम लोग केवल ये वाला पोर्शन, यानी हम लोग केवल ट्रायंगुलर पोर्शन के थ्रू, हम लोग सिंपल आप बोल सकते हो कि हम लोग ट्रायंगल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, प्रिज्म को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर से हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, प्रिज्म को क्या करेंगे, हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ऑल ओके ना, ठीक है। देखिए ये वाला जो पोर्शन है आपका, है ना, यहीं से लाइट स्ट्राइक करेगा और इधर से लाइट निकलेगा आपका, है ना। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे दो, यानी प्रिज्म में दो आपके रिफ्रैक्टिंग, ठीक है, प्रिज्म में आपके दो रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, ठीक है, या दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज है, ठीक है। और दोनों क्या है, दोनों जो है एक लाइन के अलोंग मिले हुए हैं, ये एक लाइन के अलोंग मिले हुए है ना, और ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टिंग एज। और ये जो दोनों फेस हो गए, यानी ये वाला फेस और ये वाला फेस, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग फेसेज, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग फेसेज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जो नीचे वाला जो पोर्शन होगा, देखिए अगर आप मान लो कि इसको ये वाला पोर्शन, ये वाला एक हो गया आपका प्लेन और ये वाला प्लेन हो गया, है ना, इसको आपने क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। तो ग्लास पर ही ना आप खड़ा करोगे, तो नीचे जिस पर आप इन दोनों को खड़ा करोगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको प्रिज्म का हल्का सा आइडिया लग गया होगा कि भाई प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। तो इसके मेजर तीन पार्ट्स होते हैं, सबसे पहला रिफ्रैक्टिंग एज, यानी जिसके अलोंग ये दोनों मिले हैं उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग एज, ठीक है। ये जो दोनों प्लेन सर्फेसेज हो गए, ये जो दोनों आपका प्लेन रिफ्रैक्टिंग सर्फेस हो गया, ठीक है, ये जो दोनों आपका प्लेन रिफ्रैक्टिंग क्या हो गया, सर्फेस हो गया, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग फेस। और जो नीचे वाला हो गया उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, यानी इसके और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं ए, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ क्या चीज, प्रिज्म, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आइडिया लग गया होगा। और प्रिज्म को हम लोग सिंपल एक ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हम लोग जो है केवल फ्रंट व्यू लेते हैं प्रिज्म का, समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केवल फ्रंट व्यू हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको प्रिज्म का आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। अभी हमने आपको बताया कि भाई प्रिज्म को हम लोग कौन सा व्यू देखते हैं, तो केवल फ्रंट व्यू, ठीक है, या उसको ऐसे बोल सकते हो केवल हम लोग प्रिंसिपल सेक्शन देखते हैं, या फ्रंट व्यू हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। ये वाला जो दोनों पोर्शन था, ये दोनों क्या था आपका, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस था, क्या था, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है, यानी यही से लाइट आपका अंदर जाएगा, यहाँ पे एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगा, फिर एक बार आपका बाहर निकलेगा, यानी दो दो बार रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि दो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो ऑब्वियस है कि भाई दो दो बार रिफ्रैक्शन होगा। नीचे वाला जो आपका ग्लास था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, बेस बोल रहे थे, ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा था, ये जो एंगल बन रहा था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल, ठीक है। तो उम्मीद आपको आइडिया लग गया होगा। फिर से ये क्या था हमारा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस था, ठीक है। नीचे वाला क्या था आपका, जिस पे ये दोनों खड़ा किया गया था वो बेस था, ठीक है। ये क्या था आपका, रिफ्रैक्टिंग एज था। और ये जो एंगल बन रहा था, इस एंगल को हम लोग क्या बोल रहे थे, एंगल ऑफ प्रिज्म, सॉरी इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो उम्मीद आपको आइडिया लग गया होगा। और यहाँ पे प्रिज्म में कितने बार रिफ्रैक्शन होगा, तो दो बार रिफ्रैक्शन होगा। ओके ना, और हम लोग इसका क्या ले रहे हैं, फ्रंट व्यू ले रहे हैं, ठीक है। या इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई ये जो व्यू है इसका प्रिंसिपल सेक्शनल व्यू है, ठीक है, प्रिंसिपल सेक्शनल सेक्शन व्यू है, ठीक है। अच्छा अब बात आती है कि भाई प्रिंसिपल सेक्शन व्यू का मतलब क्या होता है ना। अब एक आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि भाई प्रिंसिपल सेक्शन व्यू का मतलब क्या होता है, तो सिंपल समझो आप यहाँ पे, ठीक है। द सेक्शन ऑफ द प्रिज्म परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग एज, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अगर आपको ये टर्म नहीं समझ आ रहा है तो सिंपल आप समझो, ये जो फ्रंट व्यू है ना, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म, ठीक है। फिर से क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ व्हाट, प्रिज्म, ठीक है। अब उम्मीद है आपको आइडिया लग गया होगा। तो हम लोग केवल प्रिज्म को एक ट्रायंगल के थ्रू, ठीक है, ट्रायंगल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया, रिफ्रैक्टिंग आपका फेस हो गया, नीचे वाले लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ये जो एंगल बन रहा है इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आइडिया, अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हमने क्या क्या कर लिया, रिफ्रैक्शन हमने समझ लिया, हमने प्रिज्म भी समझ लिया। अब हमको करके दिखाना पड़ेगा ना भाई कि प्रिज्म से रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है, ये ऑलरेडी यहाँ पे रिफ्रैक्शन करके दिखा दिया गया है,
ठीक है, लेकिन हम लोग इसको समझेंगे पहले कि भाई कि किस प्रकार से डाटा आया, ये डायग्राम किस प्रकार से बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो जो टर्म्स हैं वो टर्म को समझेंगे, एंड उसके बाद हम लोग इसके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद आपको यहां तक का अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा, ठीक है ना। चलिए, अब इसका थोड़ा आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रिज्म हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, एक प्रिज्म हो गया। प्रिज्म का ये प्रिंसिपल सेक्शनल व्यू है, ठीक है, एकदम मस्त। यहां तक, यहां से हमारे पास कोई सोर्स हो गया, है ना, ये सोर्स हो गया, और यहां से लाइट रे निकला, यहाँ पे स्ट्राइक किया, लाइट ने क्या किया, स्ट्राइक किया, और ये क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया, किसके पैरेलल हो गया, प्रिज्म के, ये पैरेलल हो गया, और ये फिर ये बाहर की तरफ निकल गया। दम क्लियर है यहां तक? तो यहां पे दो दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, यहां पे कितने बार रिफ्रैक्शन हुआ, दो दो बार। क्यों? क्योंकि यहां पे दो दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जहां जहां रिफ्रैक्शन हुआ है वहां पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यानी यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ऑल ओके ना। हाँ, अच्छा, ये जो एंगल है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। फिर से एक बार, फिर से हमने क्या करा, प्रिंसिपल सेक्शनल व्यू ले लिया प्रिज्म का। उसके बाद दो दो यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस थे, एक तो ये रिफ्रैक्टिंग सर्फेस था और एक ये रिफ्रैक्टिंग सर्फेस था, हमने दोनों से रिफ्रैक्शन करा दिया, और जहां जहां जिस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हो रहा था वहां पे हमने क्या कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। वहां पे हमने क्या कर दिया, यानी इस पॉइंट पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और इस पॉइंट पर हमने क्या कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। एकदम क्लियर है यहां तक? अच्छा, क्यों नॉर्मल ड्रॉ करा, तो हमको पता है कि भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, कि भाई आपका ये कौन सा रे है, ये इंसिडेंट रे है ना, ये जो रे है आपका, ये कौन सा रे है, ये है आपका इंसिडेंट रे, ये जो रे है आपका, ये कौन सा रे है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये जो रे है आपका, ये पहला नॉर्मल हो गया, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई ये नॉर्मल वन हो गया, ठीक है। ये नॉर्मल क्या हो गया आपका, ये नॉर्मल टू हो गया, ये क्या हो गया, नॉर्मल टू। ये जो रे निकल के आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको इमरजेंट रे का आइडिया नहीं है, तो हमने जो है लैटरल डिस्प्लेसमेंट में, जब हम लैटरल शिफ्ट कर रहे थे, उसमें हमने आपको अच्छे तरीके से बता रखा है कि भाई इमरजेंट रे क्या होता है, ठीक है। आप इसको सिंपल तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर दो बार रिफ्रैक्शन होकर जो रे निकलता है ना, उसको बोलते हैं इमरजेंट रे, ठीक है। अच्छा, ये जो एंगल है, इस एंगल को बोलेंगे ई, इस एंगल को क्या बोलेंगे, ई। ई का मतलब होता है एंगल ऑफ इमरजेंस, फिर से ई का मतलब एंगल ऑफ क्या चीज, इमरजेंस, ठीक है। अच्छा, ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल, इस एंगल को बोलते हैं आई, क्योंकि इस एंगल पर क्या हुआ है, इंसिडेंट किया है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गया। ए, यहाँ पे ए है, ए यानी एंगल ऑफ प्रिज्म, ई यानी एंगल ऑफ इमरजेंस, आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे दो दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है, क्यों दो दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भैया आपका दो दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज है, दो दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज है, एंड बिकॉज ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज यहाँ पे दो दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है। रिफ्रैक्शन हुआ है तो ऑब्वियस है कि भाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होगा ना, अगर रिफ्रैक्शन होगा तो ऑब्वियस है कि भाई वहां पे क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, है ना। अब आपको समझना है, सोचना है कि भाई यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होगा, क्या ये वाला पोर्शन होगा कि ये वाला पोर्शन होगा, है ना। अब यहाँ पे आपको समझना है कि भाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होगा, ठीक है। तो उम्मीद आपको यहां तक जो जो हमने बताया आपको आइडिया लग गया होगा। सबसे पहले हमने क्या करा, एक सिंपल सा प्रिज्म हमने लिया, है ना। सबसे पहले हमने क्या करा, एक सिंपल सा हमने प्रिज्म लिया, प्रिज्म का हमने प्रिंसिपल सेक्शनल व्यू लिया, फिर हमारे पास एक क्या था, सोर्स था, सोर्स से क्या हुआ, लाइट निकला, इंसिडेंट किया, और यहाँ पे दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। चलिए, उम्मीद आपको यहां तक सारी बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमको समझना है कि भाई यहाँ पे आर क्या होगा, तो ये देखिए, ये वाला पोर्शन होगा आर वन, ठीक है, एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, और यहाँ पे एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, यानी ये हो गया आर टू, ऑल ओके ना, आर वन और क्या हो गया, आर टू। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ये जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे है, ये जो है ना आपका ओरिजिनल इंसिडेंट रे, इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं। अच्छा, ये जो इमरजेंट रे है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं, समझिएगा ध्यान से। देखिए, फिर से हमने क्या करा, आपको हम यहाँ पे फिर से बता के दिखाते हैं, ठीक है। देखिए, हो सकता है कि आपको यहाँ पे नए समझ आए, यहाँ पे थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि आपको समझ आए अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए, हमने क्या करा यहाँ पे, हमने यहाँ पे आपका जो इंसिडेंट रे था, जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे था, उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, थोड़ा बढ़ा दिया, आगे की तरफ बढ़ा दिया, ठीक है। और ये जो इमरजेंट रे था, है ना, ये इमरजेंट रे है ना, इसको हमने क्या करा, पीछे की तरफ थोड़ा बढ़ा दिया, पीछे की तरफ हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया,
यहां तक क्लियर हो गया ना, पीछे की तरफ हमने बढ़ा दिया। अब देखो, अब यहां जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ना, इस एंगल को, ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे ये आपका डेल्टा। इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है एंगल ऑफ डिविएशन, याद रहेगा। डेल्टा का मतलब क्या होता है, तो एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ क्या चीज, डिविएशन। इसको हम लोग जो है समटाइम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डी या डेल्टा, ठीक है, डी या क्या चीज, डेल्टा। ये देखिए डेल्टा है, और डेल्टा का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ डिविएशन, ऑल ओके ना। अच्छा, अब बात आती है कि भाई एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है, तो आप सिंपल समझ सकते हो। देखो, ये कौन सा रे था आपका, ओरिजिनल इंसिडेंट रे था क्या, है ना, और ये कौन सा रे था, इमरजेंट रे था। तो इसके बीच में जो एंगल बना, इसके बीच में जो एंगल बना, ठीक है, देखिए हो सकता है कि आपको समझ नहीं आया हो डायग्राम, हम डायग्राम को इरेज करते हैं और आपको फिर से, आपको हम डायग्राम समझाते हैं, लेकिन समझिएगा फिर से। हमने क्या करा, एक आपका प्रिज्म ले लिया, हमने यहाँ पे क्या करा, एक प्रिज्म लिया, उसके बाद हमने यहाँ से रे निकाला, सोर्स था हमारे पास, यहाँ से रे किया, स्ट्राइक किया, ठीक है, यहाँ पे एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, फिर एक बार और रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या कर लिया, फिर हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, यानी जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था वहां पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर भी हमने क्या कर दिया, नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। यहां तक तो उम्मीद इस बार तो क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है, जहां जहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था वहां पे हमने क्या कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये एंगल क्या था आपका, आई था, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल था ये क्या था आपका, ई था, यानी एंगल ऑफ क्या था, इमरजेंस था, है ना। अच्छा, ये जो पोर्शन था, ये वाला जो था, ये क्या था, आर वन था। ये जो पोर्शन था, ये क्या था आपका, आर टू था, है ना, आर वन और क्या चीज, आर टू। उम्मीद है यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब क्या, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमको समझना है डेल्टा। ठीक है, ये एंगल क्या है आपका, तो ये एंगल ए है आपका, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म है। हम लोग क्या करते हैं, ये जो ओरिजिनल इंसिडेंट है इसको हम लोग बढ़ाते हैं, ये जो ओरिजिनल इंसिडेंट रहे इसको हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और ये जो इमरजेंट रहे आपका इसको हम लोग क्या करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। देखिए, ये कौन सा रे है आपका, तो ये है आपका इमरजेंट रे, है ना। ये कौन सा रे है आपका, इमरजेंट रे है, और ये कौन सा रे है, तो इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बना, यानी ये जो एंगल बना, ठीक है, ये जो एंगल बना, यानी इमरजेंट रे और एक्चुअल इंसिडेंट रे, इमरजेंट रे और एक्चुअल इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना, ठीक है, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, यानी एंगल ऑफ डिविएशन बोलते हैं। फिर से डेल्टा क्या होता है, या डेल्टा यानी एंगल ऑफ डिविएशन, डेल्टा यानी व्हाट, फिर से डेल्टा यानी एंगल ऑफ क्या चीज, डिविएशन। और होता क्या है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि भाई एंगल होता है, क्या होता है, एंगल होता है किसके किसके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, इन दोनों के बीच का एंगल होता है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, फिजिकल मीनिंग क्या हुआ वो समझते हैं, ठीक है। देखिएगा, अगर यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होता, समझिए ध्यान से, अगर मान लो कि रिफ्रैक्शन नहीं होता है तो रे तो सीधा निकल जाता, क्योंकि रे की टेंडेंसी क्या होती है, लाइट रे होता है, और लाइट रे की टेंडेंसी क्या होती है कि भाई वो सीधा जाता है, लाइट रे ऑलवेज प्रोपागेट इन अ रेक्टिलिनियर वे, हमको पता है कि जो लाइट जो होता है वो सीधा भागता है, ठीक है। तो अगर ये ग्लास प्रिज्म नहीं होता तो भाई सीधा भाग जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। देखिए, हम ग्लास प्रिज्म बोल रहे हैं क्योंकि प्रिज्म हमको बोलना चाहिए, ठीक है। देखिए, प्रिज्म जो है वो अलग अलग मटेरियल का बनता है, यानी प्रिज्म भी आप बोल सकते हो कि वो जो प्रिज्म है आपका, ये दो तरह के प्रिज्म होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका, बोल सकते हो कि भाई एक होता है ग्लास प्रिज्म, ठीक है, एक होता है आपका ग्लास प्रिज्म, और एक होता है फ्लिंट प्रिज्म, ठीक है। हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रिज्म के बारे में, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप समझ लो प्रिज्म, ठीक है। और प्रिज्म को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। डेल्टा आपने समझ लिया कि भाई डेल्टा क्या होता है, फिर से एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे। तो हम बोल क्या रहे थे कि अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट आपका जो इंसिडेंट रहता है तो सीधा भागता, लेकिन एकदम सीधा भागता, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रिज्म है तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, लाइट जो आपका जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे है वो इधर आ गया, यानी बेंड करके इधर आ गया, ठीक है। तो कितना बेंड किया, ठीक है, रिफ्रैक्शन होने के बाद इस इंसिडेंट रे पे चाहे इस रे पे जो सोर्स से निकल रहा था, इस पे कितना असर पड़ा, ये कितना मुड़ा, रिफ्रैक्शन होने के बाद ये कितना मुड़ा, वो जो बेंडिंग है वो बताता है क्या चीज, एंगल ऑफ डिविएशन, यानी कितना डिविएट हुआ, यानी वो अपने रास्ते से कितना बिखर गया, अपने रास्ते से कितना भटक गया, अरे बात समझ में, वो होता है क्या चीज, डेल्टा। डेल्टा यानी एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है, तो इंसिडेंट रे यानी एक्चुअल इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का क्या होता है, आपका एंगल होता है। और ओके ना, एकदम उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आई होंगी, प्रिज्म क्या होता है, आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अच्छा,
अगर यहां तक क्लियर है तो हम लोग आगे अब प्रोसीड करते हैं। अब देखो ये एंगल क्या है, ए ए यानी एंगल ऑफ प्रिज्म है ना, ए का मतलब यहाँ पे है एंगल ऑफ क्या चीज, प्रिज्म, ठीक है। ई का मतलब आपको पता है कि भाई ई का मतलब क्या है, तो एंगल, ई का मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। और ये कब होता है, तो जब भी आपका दो बार रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, दो बार रिफ्रैक्शन होके जो आपका इंसिडेंट रे है, जब भी दो बार रिफ्रैक्शन, सिंपल तरीके समझिएगा, अगर दो बार रिफ्रैक्शन होता है तो जो इंसिडेंट रे है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इमर्जेंट रे में कन्वर्ट हो जाता है। जो आपका आई है, ये जो आई है आपका, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आर वन क्या है, यानी पहला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर टू क्या है, तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। उम्मीद है आपको यहां तक सारी बातें समझ आ गई होंगी। अच्छा अब क्या करना हमको, अब हमको जो है इनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। देखो अगर आपको अब ये, अब जब ये डायग्राम आप देखोगे तब आपको समझ आएगा, ठीक है। देखो कैसे, तो यहां से क्या निकला, ये सोर्स था हमारा, यहां से लाइट रे निकला, ठीक है। यहाँ पे एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, पैरल हो गया, फिर भाग गया इधर, ठीक है। तो उसको हमने क्या करा, ओरिजिनल इंसिडेंट रे को बढ़ाया आगे की तरफ, और ये जो इमर्जेंट रे था इसको हमने पीछे की तरफ बढ़ाया, तो ये जो एंगल निकला, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा, है ना। और ये जो रे था, इस रे को हम लोग क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। ये हमने दो दो नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, जितने बार रिफ्रैक्शन होगा उतने बार हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, है ना। अब इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तब ये डायग्राम आपको अब अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से अब आपको समझ आएगा, ठीक है। ये एंगल क्या है आपका, तो एंगल ऑफ प्रिज्म है। ये एंगल क्या है आपका, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई ये जो एंगल है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन बोलते हैं। और एंगल ऑफ डिविएशन क्या है, हमने आपको समझा रखा है ना, एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है। और ये देखिए, ये आई टू यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे आई टू की जगह पे आप ई भी लिख सकते हो, आई टू या ई, ठीक है, ई या आई टू एक ही चीज है, ठीक है। और एक बात याद रखना, आई और ई दोनों बराबर होता है, आई और ई जो होता है दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि अगर दो बार रिफ्रैक्शन होता है तो जो इंसिडेंट रे है वो आपका इमर्जेंट रे में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जो आई है, आई हो है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, एकदम मस्त यहाँ तक। अच्छा यहाँ पे एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, यानी ये आर वन है, ये क्या है आपका आर टू है, एकदम क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि भाई हम लोग प्रिज्म से किस प्रकार से रिफ्रैक्शन करते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, जो जो यहाँ पे एंगल्स हैं, यानी यहाँ पे है आई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे आर वन है, आर टू है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। अच्छा रिलेशनशिप भी हम लोग बाद में एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमको पता है रिफ्रैक्शन, हमने आपको रिफ्रैक्शन बताया, देखिए लेक्चर यानी आज की क्लास स्टार्ट करते समय हमने आपको सबसे पहले रिफ्रैक्शन के बारे में बताया कि भाई रिफ्रैक्शन आप समझ लो, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन हमने आपको बताया कि भाई बेंडिंग फेनोमेना, लाइट का बेंड होना, ठीक है। और फिर हमने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी समझाया था कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो बेंड करना, तो हमको पता करना पड़ेगा ना भाई कि कितना बेंड हुआ, यानी प्रिज्म से रिफ्रैक्शन तो हमने समझ लिया कि भाई प्रिज्म क्या होता है और प्रिज्म से किस प्रकार से रिफ्रैक्शन होता है, वो तो हमने समझ लिया है ना। अब बात आती है कि प्रिज्म से जब रिफ्रैक्शन हुआ तो यहाँ भी आपका लाइट बेंड किया, लाइट ने बेंड किया तो कितना बेंड किया, है ना। तो हम लोग वो एक्सप्रेशन हम लोग अब डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये यहां तक समझ आ गया होगा, ठीक है। और डेल्टा याद रखिएगा, डेल्टा यानी एंगल ऑफ डिविएशन, डेल्टा यानी फिर से एंगल ऑफ डिविएशन, फिर से डेल्टा यानी एंगल ऑफ डिविएशन। और एक दो बात और कि एंगल ऑफ डिविएशन किस पे डिपेंड करता है, तो एंगल ऑफ डिविएशन यानी डेल्टा जो होता है इसको डी भी लिखा जाता है, ये जो होता है आई पर डिपेंड करता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करता है, ये आपका मटेरियल ऑफ प्रिज्म पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो प्रिज्म है आपका वो आपका फ्लिंट ग्लास का भी बन सकता है या क्राउन ग्लास का भी बन सकता है, मतलब आप समझ सकते हो कि जो प्रिज्म है आपका, ये तो ग्लास प्रिज्म होता है, लेकिन जो प्रिज्म है आपका वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का भी बन सकता है, ग्लास ही प्रिज्म रहेगा लेकिन अलग अलग मटेरियल का बना होता है, जैसे कुछ फ्लिंट ग्लास के बने होते हैं, कुछ क्राउन ग्लास के बने होते हैं, ठीक है। तो मटेरियल ऑफ प्रिज्म पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रिज्म यानी कैपिटल ए इस पर भी डिपेंड करता है, एंड कलर ऑफ वेवलेंथ और वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। देखिए कलर का मतलब क्या होता है, ठीक है, कलर जो है ये क्रोमा वर्ड से आया हुआ, समझिएगा ध्यान से, कलर जो है क्रोमा वर्ड से आया हुआ है, और क्रोमा का मतलब पता है क्या होता है, क्रोमा का मतलब होता है लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ, याद रखिएगा क्रोमा का मतलब लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ, एक खास वेवलेंथ का जो लाइट होता है ना, एक खास वेवलेंथ का जो लाइट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कलर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कलर, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, कलर जो होता है ये मेनली तीन तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी कलर, ठीक है, क्या होता है, प्राइमरी कलर, दूसरा होता है सेकेंडरी कलर,
ठीक है, पहला कौन सा कलर, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, और तीसरा होता है कंप्लीमेंट्री कलर। फिर से कौन कौन सा कलर होता है भाई, तो प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और कंप्लीमेंट्री कलर। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी कलर क्या होता है, तो याद रखिएगा आरबीजी यानी रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन क्या बोलते हैं, प्राइमरी कलर। ठीक है, कोई भी दो प्राइमरी कलर को मिलाने पर, कोई भी दो प्राइमरी कलर को मिलाने पर अगर तीसरा कलर मिल जाता है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी कलर। अच्छा, कोई भी दो या दो से अधिक कलर को मिलाने पर अगर आपको व्हाइट लाइट मिल जाता है, क्या मिल जाता है, व्हाइट लाइट अगर आपको मिल जाता है, फिर से क्या मिल जाता है, व्हाइट लाइट अगर मिल जाता है तो उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री कलर। ठीक है, तो याद रखिए कलर क्या होता है, तो लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, कलर बोलते हैं। तीन तरह के होते हैं, कौन कौन सा, प्राइमरी, सेकेंडरी और कंप्लीमेंट्री। प्राइमरी यानी आरबीजी यानी रेड ब्लू ग्रीन, सेकेंडरी यानी कोई भी दो कलर को मिला दो, कोई भी दो प्राइमरी को मिला दो तो जो कलर मिल जाएगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी, और कंप्लीमेंट्री कोई भी कलर मिलाने पर अगर आपको व्हाइट मिल जाता है तो कंप्लीमेंट्री। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आई होता है, सॉरी नॉट आई, डी या डेल्टा, डेल्टा जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो मेनली डिपेंड करता है चार फैक्टर्स पर। चार फैक्टर्स पर क्या करता है, वो डिपेंड करता है, कौन कौन सा, तो फिर से यहाँ पे लिख देते हैं आई। ठीक है, मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है यहाँ पे लिखते हैं क्या, नेचर ऑफ मटेरियल, और फिर आपका ए। ठीक है, उसके बाद लैम्डा यानी वेवलेंथ पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहां तक सारी बातें समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, किसके किसके बीच में, ए के बीच में, आई के बीच में, डेल्टा के बीच में और ई के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पे एक आपका एक्सप्रेशन डिराइव किया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको करके दिखाते हैं आपको, तब आपको ज्यादा फील आएगा, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, इस कैसे आया हम आपको करके टोटल दिखाते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि भाई प्रिज्म क्या होता है, एंगल ऑफ डिविजन क्या होता है, ठीक है, प्रिज्म से किस प्रकार से रिफ्रैक्शन किया जाता है। ठीक है, उम्मीद आपको ये सब तो आइडिया लग गया होगा, है ना। ठीक है, अच्छा अब देखा जाए कि भाई रिलेशनशिप क्या होता है, यानी अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं किसके किसके बीच में, तो जितने भी एंगल्स यहाँ पे हैं उनके बीच में एंगल रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए, अच्छा रिलेशनशिप तो हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे ही, इसके साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, यानी ये जो प्रिज्म है आपका, ठीक है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि भाई बताता है कि कितना बेंड किया, तो यहाँ भी बेंडिंग हुआ, यहाँ भी रिफ्रैक्शन हुआ है, और जब रिफ्रैक्शन हुआ है तो ऑब्वियसली भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो इसका हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैलकुलेट करेंगे, यानी हम लोग प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले रिलेशनशिप, चलिए देखिए ध्यान से, आप देखो कि ध्यान से समझिएगा थोड़ा। ठीक है, देखो ये जो है आपका, ये तो क्या है, डेल्टा है ना, ये क्या है आपका, डेल्टा। डेल्टा यानी क्या चीज, एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है, डेल्टा यानी एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है, ये देखो ये आई है क्या, पूरा ये पूरा आई है, तो ये पूरा भी क्या होगा, आई होगा, पूरा क्या होगा, आई होगा, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, आई माइनस आर वन होगा क्या, है कि ये वाला पोर्शन कितना होगा, आई माइनस आर वन। देखो ध्यान से, ये मान लो कि पूरा ई है, तो ये पूरा भी क्या होगा, ई होगा, है ना, ये पूरा क्या होगा, ई होगा, लेकिन केवल ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, ई माइनस आर टू होगा क्या। आरी बात समझ, नहीं समझ आए कोई बात नहीं, चलो फिर से इसको समझाते हैं आपको। यहाँ पे देखो इस डायग्राम को देखो, तब आपको बेहतर फील आएगा, बेहतर समझ आएगा। फिर से ये क्या है, आई, ये क्या है भैया, आई, तो ये पूरा कितना होना चाहिए, आई। ये क्या है, आर वन, तो ये वाला जो पोर्शन है ये ऑब्वियस है कि क्या होगा, आई माइनस आर वन, है कि नहीं। ये क्या है, पूरा ई, पूरा क्या है, ई, तो ये भी पूरा क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, तो ये तो आर टू है, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, ये वाला पोर्शन तो ऑब्वियस कि भाई ई माइनस आर टू, है कि नहीं। आ रही बात समझ में, ये वाला जो पोर्शन है कितना होगा, E माइनस आर टू, ये वाला पोर्शन कितना होगा, तो I माइनस आर वन, क्योंकि पूरा तो I है। ठीक है, ये तो आर वन है, हमको ये निकालना है, तो ऑब्वियसली पूरा में से इसको घटाएंगे तभी ना हमको ये निकलेगा, यानी ये कितना निकल गया, आई माइनस आर वन, है ना। और ये वाला पोर्शन, ये पूरा क्या था, ई था, तो ये भी पूरा ई था, अब हमको ये निकालना है तो इसको घटाना पड़ेगा तभी ना ये निकलना निकलेगा, यानी ई माइनस क्या चीज, आर टू। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट उम्मीद आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई वो दोनों एंगल्स क्या क्या होंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं और फ्रेश डायग्राम, एकदम फ्रेश डायग्राम आपको हम बना के दिखाते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, आपको फ्रेश डायग्राम दिखाते हैं बना के। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, सबसे पहले हमारा क्या हो गया, प्रिज्म हो गया, है ना। सबसे पहले हमारा क्या हो गया, एक प्रिज्म हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या चीज हो गया, एक प्रिज्म हो गया, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रेज ड्रॉ करेंगे कि भाई हमारे पास इधर क्या हो गया, हमारे पास इधर से रे निकला, स्ट्राइक किया, है ना, ये पैरल चला गया, फिर इधर से ये इधर की तरफ भाग गया, एकदम क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, फिर हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ हम लोग किए थे,
तो यहां से हमने क्या कर लिया, नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया, इधर से भी हमने क्या कर लिया, नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया। एकदम क्लियर है ना, यहां तक हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या भाई, तो ये एंगल था हमारा क्या, आई था, ठीक है। तो अच्छा, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि हमको यहाँ पे डेल्टा मिल जाए। इसको हम लोग एक्सटेंड कर देंगे, इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, इधर से एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमको क्या मिल गया, डेल्टा मिल गया, ठीक है। ये हमको क्या मिल गया, डेल्टा मिल गया, ऑल ओके ना। अच्छा, ये कितना था, आर वन था, ये कितना था, आर टू था, और ये कितना था आपका, ई था। हमको ये एंगल चाहिए और हमको ये एंगल चाहिए, ठीक है। तो पूरा तो आई है ना भैया, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये आई, तो ये भी क्या चाहिए, आई। हमको ये चाहिए, तो ये जो है ये हमको तभी मिलेगा जब हम लोग इस पूरे में से, इस पूरे आई में से इसको घटाएंगे, यानी आर वन को घटाएंगे, यानी ये एंगल कितना मिलेगा, आई माइनस आर वन, ठीक है। ये ई है तो ये पूरा ई, और ये ऑलरेडी कितना है, आर टू है, तो ये हमको चाहिए, ये एंगल चाहिए हमको, तो कितना हो जाएगा, ई माइनस आर टू। यानी यहां तक क्लियर हो गया, अभी देखो आप यहां तक एकदम क्लियर हो गया कि भाई क्या होता है, आई, ये आई माइनस आर वन कैसे होगा, ई माइनस आर वन कैसे होगा, है ना, इसका आइडिया आपको लग गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं कि भाई ये देखो हमारा वापस से एक प्रिज्म हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्रिज्म हो गया, और यहाँ पे जो रेज है, अब हम डायरेक्टली यहाँ पे रेज आपको, अब एंगल जो है ना सारा, हम एंगल डायरेक्टली दिखा देते हैं, ठीक है। ये देखो इस प्रकार से हो गया, ये हो गया इस प्रकार से, इस प्रकार से हो गया, है ना। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे आप क्या करो, डायरेक्टली ये यहाँ पे डेल्टा दिखा दो, कि मतलब ये हो गया हमारे पास क्या चीज, इसको बढ़ा दो और इसको भी आप पीछे की तरफ बढ़ा दो, तो ये हो गया हमारा क्या चीज, डेल्टा, है ना। ये कितना हो गया हमारा, डेल्टा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या भैया, तो ये हमारा है, ये वाला जो पोर्सन है ये आर वन है, ये वाला जो पोर्सन है ये क्या हमारे पास, आई माइनस आर वन, और ये जो पोर्सन है वो कितना हमारे पास, यहाँ पे जगह तो नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं आई माइनस, सॉरी ई माइनस आर टू, और ये क्या हमारा ई है, ऑल ओके ना। चलिए अब क्या किया जाए, अब थोड़ा सा हम लोग बेसिक मैथमेटिकल मैथ्स का यूज करेंगे। बेसिक मैथ का यूज क्या है वो देखो थोड़ा, ठीक है। बेसिक मैथ का यूज का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई हमको पता है कि ये ट्रायंगल होता है, और ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ये हमको पता है। यानी ये जो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे क्या है, डेल्टा है, तो डेल्टा जो है ये एंगल यानी आई माइनस आर वन और ये वाला यानी ई माइनस आर टू के सम के क्या होगा, बराबर होगा, होगा ना। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है, इंटीरियर एंगल के सम के क्या होता है, बराबर होता है, ऑल ओके ना। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां से क्या भाई, कि ये जो आपका क्या है, ये जो डेल्टा है, ये जो क्या है आपका डेल्टा है, डेल्टा, तो ये जो डेल्टा है ये किसके किसके सम के बराबर होगा, डेल्टा जो है हमारा ये आई माइनस आर वन यानी ये एंगल और ये एंगल किस सम के क्या होगा, बराबर होगा। यानी यहाँ पे लिख देते हैं आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू के सम के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा, और ये क्या हो गया, आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस वोट आर टू, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, डेल्टा इजकल टू क्या निकल गया, आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस वोट आर टू, यहाँ तक उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आई होंगी, ठीक है। अच्छा, हमको क्या करना है, प्रिज्म को, हमको क्या करना है, प्रिज्म को इस प्रकार से, हमको प्रिज्म को इस प्रकार से प्लेस करना है कि मिनिमम डिविएशन, समझिएगा ध्यान से, हमको जो है प्रिज्म को इस प्रकार से प्लेस करना है कि जो डिविएशन हो वो ना के बराबर हो, मतलब मिनिमम डिविएशन हो, ठीक है। मिनिमम डिविएशन होगा तो बेहतर होगा, ठीक है। मिनिमम डिविएशन होगा तो हमको प्योर स्पेक्ट्रम, ठीक है, प्योर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने में हमको आसानी होगी। और प्योर स्पेक्ट्रम क्या होता है, हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि भाई प्योर स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहां तक उम्मीद आपको समझ आ गया होगा, है ना, कि भाई क्या है यहाँ पे, क्या क्या डाटा है, वो आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या है आपका, ए था, ए का मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म था, है ना। और यहाँ पे क्योंकि हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था, तो ये 90 डिग्री था क्या, ये भी कितना डिग्री था, 90 डिग्री, और ये मान लो, इसको कुछ मान लो आप ओ मान लो, इसको आप क्या मान लो, ओ। और देखो कि ध्यान से, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये देखो ये एक दो ये तीन और ये क्या चीज चार, ये जो है एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो हमको पता है क्वाड्रिलेटरल में कि भाई क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। हमको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, पता है हमको। ये ऑलरेडी 90 डिग्री क्योंकि नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, ये भी ऑलरेडी 90 डिग्री होता है क्योंकि नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब क्या चीज होता है, हमने आपको बता रखा है कि नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड परपेंडिकुलर है, दैट इज वाई 90 डिग्री है। तो पूरे का सम 360 डिग्री, ठीक है। तो बचा क्या, एंगल ए प्लस एंगल ओ का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। यानी इस एंगल का और इस एंगल का जो सम निकला, वो सम कितना निकला, 180 डिग्री। क्यों क्यों निकला, समझो फिर से, क्योंकि इसका इसका और इसका
और इसका चारों का सम कितना 360। जब ये दोनों ऑलरेडी 90 90 यानी 180 हो गया, तो घटाओगे 360 में से 180 तो ऑब्वियस है क्या बचेगा, 180 बचेगा। यानी ए का और ओ का सम कितना निकल गया, तो 180 निकल गया। ऑल ओके ना। अच्छा अब एक स्टेप और, अब हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। क्या वो प्रॉपर्टी है कि भाई आपका जो है, ठीक है, आपका जो है ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं। कौन सा प्रॉपर्टी, कि ट्रायंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए ये एंगल कितना था, तो आई माइनस आर वन था, ठीक है। ये क्या था आपका, आई माइनस आर वन था, सॉरी ये आई माइनस आर वन नहीं था, ये आर वन था आपका। आई माइनस आर वन तो ऊपर वाला था ना, है कि नहीं। आई माइनस आर वन जो था वो तो ऊपर वाला था। देखो आपको डायग्राम पे दिखाते हैं, ये देखो ये जो आई माइनस आर वन था, इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं तो आपको बेहतर फील आएगा, बेहतर समझ आएगा। देखो ध्यान से, ठीक है। अभी हमने क्या करा, अभी हमने जो है एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया, ठीक है, किसे इसके बीच में, ए के बीच में, और ये मान लो कि एन है यहाँ पे, मान लो इसको ओ ही मान लो आप। तो हमने ये देख लिया कि भाई एंगल ए प्लस एंगल ओ का सम कितना है, 180 डिग्री है, ये हमने समझ लिया, है ना। अभी देखो आप, ये क्या है आर वन है, ये आर वन है, ये क्या है आर टू है, और ये क्या है आपका ओ है, ठीक है। तो इन तीनों का सम कितना होगा, आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल ओ, ठीक है, आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल ओ, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, तो इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री, होगा ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल ओ, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब इसको वन मान लो, इसको टू मान लो, समझिएगा ध्यान से। जब ये 180 इसके बराबर है, फिर ये 180 इसके बराबर है, यानी क्या हुआ कि एंगल ए जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, आर वन प्लस आर टू के बराबर हो गया। यानी हमने यहाँ पे एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लिया, क्या भाई, कि आर वन प्लस आर टू जो है वो ए के बराबर है। फिर से आर वन प्लस आर टू जो है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। एकदम यहां तक क्लियर है ना। अभी देखो आप, डेल्टा इक्वल टू हमने क्या निकाला था, कि आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू निकाला था, क्या है कि नहीं। अच्छा अभी हमने देखा कि भाई आर वन प्लस आर टू जो है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। कैसे बराबर है, तो हमने यहाँ पे दो इक्वेशन यूज किया, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई 180 इसके बराबर है, 180 ये इसके बराबर है, यानी आपस में ये दोनों बराबर, तो ये वाला कट जाएगा, तो बचेगा क्या चीज, एंगल ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, तो ये निकल गया, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, आर वन प्लस आर टू की जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, ए ले सकते हैं। ये माइनस है, ये इधर आएगा तो प्लस में चला गया, यानी डेल्टा प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई। तो याद रखेगा कि भाई क्या होता है, ए आई ई और डेल्टा, ए आई ई और डेल्टा में क्या रिलेशन होता है, तो डेल्टा प्लस ए इजकल टू आई प्लस ई, ये क्या होता है, रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये रिलेशनशिप समझ आ गया होगा। फिर से क्या रिलेशनशिप होता है, तो आपको बता देना है कि भाई क्या रिलेशनशिप होता है, तो आई प्लस ई इजकल टू ए प्लस डेल्टा, सिंपल सी बात है। फिर से आई प्लस ई इजकल टू ए प्लस डेल्टा, ये रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इसका आइडिया लग गया होगा। देखो यहाँ पे आई प्लस ई इजकल टू ए प्लस डेल्टा, अभी कैसे आया, किस प्रकार से आया, वो हमने आपको समझा दिया, ठीक है। तो आपको ये सब समझने की जरूरत नहीं, हमने आपको सिंपल तरीके से समझा दिया है, ठीक है, उससे आप बेहतर आप समझ सकते हो, ठीक है। अच्छा ये तो हो गई बात। अब हम देखो आपको इस डायग्राम से भी आपको हम समझा देते हैं, इस डायग्राम से भी आपको हम समझा देते हैं। देखो कैसे, ये मान लो ओ है, तो ये R1, R2 और O, इन तीनों का सम कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस एंगल O का सम कितना होगा, 180, है कि नहीं। अच्छा ये A एंड एंगल ऑफ प्रिज्म और ये O, इन दोनों का सम कितना होगा, यानी A प्लस O का सम कितना होगा, 180 होगा। यानी उस हिसाब से ये दोनों बराबर हो गया, है कि नहीं। यानी R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या निकल गया, A निकल गया, है ना। और फिर हमने क्या करा था, एक प्रॉपर्टी का यूज किया था। कौन सा प्रॉपर्टी, कि भाई ये D जो है ये एक्सट्रीट एंगल है, और ये जो है, ठीक है, ये डी कौन सा एंगल, एक्सट्रीट एंगल एंगल है, और ये एंगल कितना था, ये एंगल था आई माइनस आर वन था, ये एंगल जो था, ये एंगल कितना था, ई माइनस आर टू था। तो जो डेल्टा था वो किसके बराबर था, आई माइनस आर वन, ठीक है, आई माइनस क्या चीज, आर वन प्लस ई माइनस आर टू के बराबर था। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया था, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू मिल गया था। और आर वन प्लस आर टू को हमने क्या लिख दिया था, ए लिख दिया था, क्योंकि हमको पता है कि भाई आर वन प्लस आर टू क्या होता है, ए होता है। तो इस प्रकार से हमको ये रिजल्ट मिल गया था, याद रखेगा, ए प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, हमने जो है अभी तक किस प्रकार से डिविएशन होता है, किस प्रकार से रिफ्रैक्शन किया जाता है प्रिज्म से, वो हमने समझ लिया। और आपको रिलेशनशिप याद रख लेना है, क्या होता है रिलेशनशिप, आई प्लस ए, सॉरी यहाँ पे रिलेशनशिप होता है ए प्लस डेल्टा इजकल टू आई प्लस ई, ये आपको रिजल्ट याद रख लेना है। फिर से क्या होता है, चारों में रिलेशन, एंगल्स में रिलेशन क्या होता है, तो ए प्लस डेल्टा इजकल टू आई प्लस ई,
ठीक है। चलिए उम्मीद आपको यहां तक सारी बातें समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब देखिए अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कोशिश करना है कि प्रिज्म जो है वो मिनिमम डिवीजन में रहे, यानी हमको कोशिश करना है कि जो आपका जो प्रिज्म है वो उसको इस प्रकार से प्लेस किया जाए कि भाई कम से कम डिविएशन हो। ठीक है, हमको प्रिज्म को इस प्रकार से प्लेस करना है कि कम से कम डिविएशन हो, और कम से कम डिविएशन तभी होगा, कम से कम डिविएशन तभी होगा जब आई और ई बराबर होगा, आर वन और आर टू बराबर होगा, याद रखिएगा। यानी मिनिमम डिविएशन, फिर से मिनिमम डिविएशन तभी होगा जब आई और ई बराबर होगा, और आर वन और आर टू क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको हम बेहतर समझ आएगा। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, यानी जैसे जैसे आई बढ़ेगा, जैसे जैसे आई बढ़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया गया है, ये जो प्लॉट है ग्राफ, ये ग्राफ किसके बीच का है, आई में और डेल्टा, आई और डेल्टा के बीच में ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। ठीक है, आई और डेल्टा के बीच में ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ध्यान से ग्राफ को, अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जैसे जैसे आई बढ़ेगा, ठीक है, देखो आप ध्यान से पढ़ो, एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, यानी जैसे जैसे आई बढ़ेगा, जैसे जैसे आप आई इधर, जैसे जैसे आई आप बढ़ाओगे, ठीक है, द एंगल ऑफ डिविएशन, द एंगल ऑफ डिविएशन गोज ऑन डिक्रीजिंग, आपका जो डेल्टा है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इधर आप बढ़ रहे थे क्या, इधर आप बढ़ रहे थे, तो देखो ध्यान से इसकी वैल्यू, देखो इसकी वैल्यू जो है घट रही थी कि नहीं घट रही थी, ये जो डी है आपका, देखो इसकी वैल्यू, कर्व क्या हो रहा है, घट रहा है कि नहीं घट रहा है, कब घट रहा है, जैसे जैसे आई बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे आई बढ़ रहा है वैसे वैसे डी क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, डी घट रहा है, तो एक खास आई पर, एक खास आई पर ये सबसे कम हो जाएगा, एक यानी इस आई पर ये जो है सबसे नीचे आ जाएगा, सबसे नीचे आ जाएगा, यानी इस पॉइंट पर आ जाएगा, आ रही बात समझ में। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमम डिविजन, और जिस एंगल पर ये सबसे कम डिविजन हो रहा है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डिविजन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डिविजन। देखिए हो सकता है कि आपको समझ नहीं आया होगा, तो हम क्या करते हैं फिर से आपके लिए रिपीट कर देते हैं। ठीक है, देखिए मेरा उद्देश्य सिंपल सा है कि हम आपको अच्छे तरीके से समझाएं, उसके लिए हमको कितने बार भी समझाना पड़ जाए, हम मेरा उद्देश्य है कि आपको हम अच्छे तरीके से समझा पाए। ठीक है, देखिए फिर से यहाँ पे आपने देखा कि भाई आई बढ़ रहा था, आई क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू घट रही है, इसकी वैल्यू क्या हो रही, घट रही है, यानी आई बढ़ रहा है लेकिन डेल्टा जो है वो घट रहा है। ठीक है, लेकिन एक ऐसी वैल्यू आ रही है आई की कि भाई इस वैल्यू पर ये सबसे कम हो जा रहा है, इसकी जो वैल्यू है सबसे कम हो जा रही है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है सबसे क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, आ रही बात समझ में। यानी एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, एंगल ऑफ डिविएशन गोज ऑन डिक्रीजिंग टिल फॉर अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इट अटेन द मिनिमम वैल्यू। मतलब ये आई बढ़ेगा, बढ़े घटते जाकर, लेकिन एक ऐसा आई पर, एक ऐसी वैल्यू आएगी आई पर जिस पर डेल्टा की जो वैल्यू है मिनिमम होगी, अब उससे कम नहीं जाएगी, उससे कम नहीं जाएगी। तो वो जो एंगल है जिस पर एंगल ऑफ डिविएशन सबसे कम हो जाए, ठीक है, यानी एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ डिविएशन जो है सबसे कम हो जाए, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। ठीक है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डिविजन। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद भी आई बढ़ते गया, यानी यहां तक तो ठीक है, यहां तक आई बढ़ाया गया था तो ये घट रहा था, लेकिन उसके बाद जब आई को बढ़ाया गया, देखो भागा, ये तेजी से भागा, यानी उसके बाद से ऊपर उठने लगा, यानी उसके बाद अगर हम लोग आई को बढ़ाते हैं, डेल्टा भी क्या हो रहा है आपका, बढ़ते जा रहा है, डेल्टा भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। यानी यहाँ पढ़ो, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज फर्दर, यानी उसके बाद अगर हम लोग आई की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो ये देखो इसका ग्राफ तेजी से ऊपर की तरफ भाग रहा है, यानी डेल्टा जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, तो जिस एंगल पर क्या हो आपका, मिनिमम डिविएशन हो। ठीक है, तो अब बात आती है कि भाई मिनिमम डिविएशन कब होगा, तो आपको याद रख लेना एक सिंपल सा ट्रिक, मिनिमम डिविएशन तभी होगा, ठीक है, मिनिमम डिविएशन तभी होगा जब आई और ई आपका बराबर होगा, आई और ई बराबर होगा, और आर वन और आर टू क्या होगा, बराबर होगा, तभी जाके मिनिमम डिविएशन होगा। याद रख लीजिएगा फिर से, मिनिमम डिविएशन कब होगा, जब आई और ई बराबर होगा, ठीक है, और आर वन और आर टू क्या होगा, बराबर होगा, तब जो डेल्टा है आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा एम हो जाएगा, डेल्टा एम का मतलब मिनिमम डिविएशन होगा। यानी आपको याद रख लेना है कि भाई मिनिमम डिविएशन कब होगा, फिर से, तो मिनिमम डिविएशन तभी होगा जब आई और ई बराबर होगा, और आर वन आर टू क्या होगा, बराबर होगा। हमने रिलेशनशिप यहाँ पे आपको करके दिखा दिया है कि भाई रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप याद रखिएगा, डेल्टा प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई, ये किस प्रकार से आया है ये भी हमने आपको अच्छे तरीके से बता रखा है।
है ना। अब चलिए, अब जो है हम लोग इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। देखिए, हमने प्रिज्म समझ लिया, हमने आपको रिफ्रैक्शन किस प्रकार से किया जाता है वो समझाया, हमने आपको डिविएशन क्या होता है किस प्रकार से होता है वो भी हमने आपको समझा दिया, मिनिमम डिविएशन क्या होता है ये भी हमने समझा दिया, कब होता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया, है ना। अब बात आती है कि भाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। देखिए ध्यान से, आई और ई बराबर होना चाहिए मिनिमम डिविएशन के लिए, आर वन आर टू बराबर होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो कि इफ आई इज इक्वल टू ई एंड आर वन इज इक्वल टू आर टू देन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा, ये ठीक है। अच्छा, रिलेशनशिप हमको क्या पता है, हमको पता है भाई कि आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, ये हमको रिलेशनशिप हमारे पास है, ठीक है। अच्छा, फॉर मिनिमम डिविएशन आई और ई तो बराबर हो जाएगा ना, यानी ये आई हो जाएगा, यानी आई और आई कितना हो गया टू आई, है ना। अच्छा, आई और आई क्या हो गया टू आई, अब ए को आप ए रख दो और डेल्टा जो है डेल्टा को आप डेल्टा एम रख दो, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ से आप आई की वैल्यू निकाल सकते हो, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, याद रखिएगा आई की वैल्यू कितनी निकल गई, आई इक्वल टू डेल्टा एम बाई टू। अच्छा, हमको एक रिलेशनशिप और पता है, वो क्या है भाई कि आर वन प्लस आर टू इक्वल टू ए होता है, ठीक है। ये भी हमने ड्राइव करके दिखाया आपको कि भाई आर वन प्लस आर टू इक्वल टू क्या होता है, ए होता है, एंड फॉर मिनिमम डिविएशन आर वन इक्वल टू आर टू होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका टू आर, सेम हो गया, यानी ए निकल गया यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग आर निकाल सकते हैं। तो आर की वैल्यू कितनी निकल गई ए बाई टू, यानी हमको आई मिल गया, हमको आर मिल गया, ठीक है। हमको क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, यानी हमको म्यू निकालना है, और म्यू इक्वल टू होता कितना है साइन आई बाई साइन आर। हमको पता है भाई म्यू इक्वल टू क्या होता है, तो साइन आई बाई साइन आर। तो साइन आई, आई कितना भैया, तो अभी आपने निकाला, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आई होंगी, ठीक है। देखो म्यू इक्वल टू क्या होता है, तो साइन आई बाई साइन आर होता है ना, साइन आई बाई साइन आर। तो म्यू तो हो गया साइन आई, और आई की वैल्यू हमने अभी निकाली, आई की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे आपको देखो अच्छे तरीके से, आई की वैल्यू कितनी थी ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। तो यहाँ पे आप क्या कर दो, ए प्लस डेल्टा एम बाई टू लिख दो, ठीक है। अच्छा, आर आर कितना था, तो आर था आपका ए बाई टू। तो ये जो निकल गया आपका, क्या निकल गया, एक्सप्रेशन निकल गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्सप्रेशन निकल गया, ठीक है। ये जो निकला आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या निकल गया, एक्सप्रेशन निकल गया, यानी जब भी प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होगा तो ऑब्वियस है कि भाई बेंडिंग होगा, बेंड होगा, ठीक है। तो बेंड होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो ये आपको रिजल्ट याद रख लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट और आता है, ठीक है, ठीक है। उम्मीद आपको यहां तक, देखिए अब हम क्या करते हैं, एक बार शॉर्ट में आपको समझा देते हैं सारी बातें। देखिए, सबसे पहले हमने क्या समझाया आपको, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि भाई हमारा आज का टारगेट है कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। फिर उसमें हमने क्या समझाया आपको, पहले रिफ्रैक्शन समझाया, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझाया, फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट समझाया, फिर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझा, फिर हमने लैटरल शिफ्ट और लैटरल नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला हमने देखा, फिर हमने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया कि भाई आई ई ए और डेल्टा में क्या रिलेशनशिप है, फिर हमने ये भी देखा कि भाई आर वन आर टू और ए में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, देखा डायग्राम के थ्रू कि भाई प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म को हमने समझा, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि भाई प्रिंसिपल सेक्शनल क्या होता है, या फ्रंट व्यू क्या होता है प्रिज्म का, वो भी हमने डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि भाई एग्जैक्टली कैसे होता है रिफ्रैक्शन प्रिज्म के थ्रू, वो हमने देखा। फिर हमने आपको पूरा डिटेल में करके दिखाया, ठीक है, कि भाई कैसे होता है। फिर हमने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया, फिर हमने देखा कि भाई डेल्टा जो है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, फिर हमने ये देखा कि भाई मिनिमम डिविएशन कब होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या डिस्कस किया कि भाई रिलेशनशिप क्या होता है, उसका हमने फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिखाया। फिर हमने अभी देखा कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कैलकुलेट कर लिया, और आपको याद रख लेना है, क्या याद रख लेना है, कि भाई म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, फिर साइन ए बाई टू। अच्छा, उम्मीद आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा लाइन हम यहाँ पे और ऐड करना चाहेंगे, ठीक है, एक पॉइंट और ऐड करना चाहेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग डिस्पर्सन पर एंट्री करेंगे, ठीक है। डिस्पर्सन हम लोग समझेंगे, लेकिन डिस्पर्सन हम लोग आज ही समझेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, ठीक है। तो चलिए, एक पॉइंट और हम यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे कि भाई वो क्या है पॉइंट आपका, तो वो पॉइंट है कि डिविजन थ्रू अ प्रिज्म ऑफ ए स्मॉल एंगल, ठीक है, यानी एकदम स्मॉल एंगल से, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट हम यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे, दैट इज डिविएशन थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है। डिविएशन होगा, यहाँ पे डिविएशन होगा प्रिज्म से, ठीक है, लेकिन डिविएशन थ्रू अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल, डिविएशन थ्रू अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल, ठीक है। प्रिज्म से डिविएशन होगा लेकिन स्मॉल एंगल, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना, आपको एक सिंपल सा रिजल्ट याद रख लेना है,
ठीक है, वो रिजल्ट क्या है, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू 8 टाइम्स म्यू माइनस 1, ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। फिर से क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू ए टाइम्स म्यू, ए टाइम्स म्यू माइनस 1, ये रिजल्ट आपको क्या कर लेना है, ध्यान रख लेना है। और इसको आप चाहो तो इसको भी आप डिराइव कर सकते हो, काफी आसान है इसको डिराइव करना, ठीक है।